इसलिए ढेर सारा धनिया पत्ता। वो देखिए झूले में बहुत गुस्सा है, बहुत गुस्सा है ये। दो शैतान कंधे में चढ़कर बैठ गए हैं और बात कर ले हैं। गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप सब? रूपाली जिंदगी में आप सभी का स्वागत है। एक बार फिर से दिन की शुरुआत हो चुकी है। आज 2 जनवरी है और अभी तो बच्चों की छुट्टियां भी चल रही है। बच्चे की वजह से अब माता पिता भी बिजी है। तो दोस्तों, आप सब कैसे अपना दिन बिता रहे हैं? सर्कस, पिकनिक, चारों तरफ और बच्चों की कोलाहल, चारों तरफ का माहौल ही यही है। बाहर का मौसम भी अच्छा है। 9:15 है लेकिन धूप उतनी तेज नहीं खिली है। हल्की हल्की सर्द हवाएं चल रही हैं। सारे कबूतर पक्षियां सबके ऊपर वाले छत पर बैठते हैं क्योंकि उन्हें भी धूप का आनंद लेना है। नाश्ता बना लेते हैं। फिर पहले मसाला बना लेते हैं। जीरा, अजवाइन, गाजर, कद्दूकस किया हुआ गाजर, इसमें गोभी भी है जिसे मैंने पहले से ही हल्का बॉईल करके रखा था। अब इसमें प्याज कली और लहसुन ऐड कर रहे हैं। स्वाद अनुसार नमक, हरी मिर्च ऐड कर रही हूँ। खटास के लिए आमचूर पाउडर दे रही हूँ। मैश के अब आलू मिला रही हूँ मैं इसमें। आलू 4-5 ही थे, गाजर मैंने 1 दिया था और 1 गोभी दी थी। 5-6 प्याज के लिए लिए थे। बच्चों के सर्दी के मौसम में बच्चे का पेट भी खुश और मम्मी भी खुश। चाव के साथ बच्चे इसका खाएंगे। बनाइएगा जरूर नाश्ते में। और अंत में धनिया पत्ती के बगैर तो बात अधूरी रह जाएगी, इसलिए ढेर सारा धनिया पत्ती। बन गया हमारा आलू का। चलिए दोस्तों, हमारा मसाला पककर तैयार हो गया है। अब मैं आटा गूंथ लेती हूँ क्योंकि ये ना आलू, गोभी, गाजर, सब्जियों का पराठा बनेगा। 1 कटोरी आटा लिया है, 2 कटोरी मैदा लिया है। अब इसको गूंथ लेते हैं पराठे की तरह। इसमें रिफाइंड ऑयल डालेंगे। थोड़ा सा 1 चम्मच नमक, अजवाइन, इसमें भी मैं थोड़ा अजवाइन दे रही हूँ हजमे के लिए। आटा मैंने गूंथ लिया है और हमारा बैटर भी ठंडा हो गया है आलू का जो बनाया था मसाला। अब हम इसमें मसाला डालेंगे पेस्ट के। देखिए थोड़ा सा आटा लेंगे, पीछे से फिर ऐसे 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 करते रहेंगे। टेडी, अरे भैया टेडी इधर से उधर भाग रहे हैं, टेडी आएगा नहीं। यहाँ पर दाना दिया है मैंने, खाओ। कितना सारा दाना है, खाओ। क्या खा रहे हो बेटा? लो
इस बंदर ने तो उड़ान भर ली, दूसरे ने भी उड़ान भर ली। मुन्नू को तो ऊपर का ही पोर्शन अच्छा लगता है। करते करते बचा देखते है, कहाँ जाना है बेटा आपको, कहाँ जाना है? हाँ, आपकी प्लेन कहाँ जाएगी? हाँ, आपकी उड़ान कहाँ तक है? हाँ, कहाँ तक है आपकी उड़ान? हाँ 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 हाँ, मैं इसकी उड़ान तो मेरे ऊपर आ गई। क्या क्या कहना चाहती हो? हेलो, मुन्नू के पास तो चला गया चुन्नू भी, अब टेडी बाकी है। देखिए ये क्या गंदा फैलाता है। मुन्नू, तोड़ने का काम तुम्हें दिया गया है क्या? और ये तो टीचर है, वहां पर बैठे बैठे ही चीखे जा रहे हैं। वो देखिए झूले में बहुत गुस्सा है, बहुत गुस्सा है ये इनकी शैतानियां देखकर बहुत गुस्सा हो रहा है। चलो फुटबॉल का है, हम फुटबॉल लेकर आते हैं। बाहर बच्चे फुटबॉल खेल रहे हैं। हाँ, बाहर बच्चे फुटबॉल खेल रहे हैं। हाँ, आप लोगों की नींद में कलन पैदा कर दी मैंने। चुन्नू मुन्नू ऊपर बैठे हुए हैं, टेडी मेरे कंधे पर बैठा हुआ है। दो शैतान कंधे में चढ़कर बैठ गए हैं और बात कर रहे हैं। उन्हें बहुत आराम सूझ रहा है। देखिए दोस्तों, हाँ हाँ, क्या कर रहे हो बेटा? हेलो बोलो दोस्तों को, हेलो बोलो, बोलो कैसे हैं आप सब? हाँ दीदी, हेलो बोलो। बाहर ठंडी हवा चल रही है दोस्तों, लेकिन बच्चे हैं छुट्टी का आनंद ले रहे हैं। बाहर खेलने निकल चुके हैं सारे बच्चे, और ये दो बच्चे मेरे कंधे पर झूला झूल रहे हैं। दीदी मैं क्या बोल रही हूँ? वो मन रहा, हाँ हाँ सुन रहे। शैतान नटखट बंदरो, एक और फिर बाहर निकल गया है, अब उन्हें घुसाना पड़ेगा। शाम के 4 बजे है, 4 भी नहीं बजे, अभी 4:15 बजे है, और ये रेस्ट ले रही है। लेकिन टेडी तो उछल रहा था, अभी नीचे ही चक्कर लगाया जा रहा है। उसे ये नहीं एहसास कि दरवाजा खुला हुआ है, बाहर आ जाऊं। तीसरा बंदर निकलने में कामयाब हो या नहीं, अभी भी वो कश्मकश में है, निकलूं या नहीं। लटकते लटकते ये किस तरह भाग रहे हैं? हाँ 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 हाँ, बंजी जंप करने से पहले वो जांच रहा है, परख रहा है बाहर की दुनिया। लो मुन्नू, मुन्नू नहीं टेडी, ए ये दोनों ठीक है ना? अच्छा, टेडी को परेशान करेगा अब ये, मैं देखती हूँ करेता क्या है। देखिए इनका टेडी ऊपर बैठा हुआ है और ये नीचे से टेडी को काट रहा है। इनकी शैतानियां चलता रहता है। टेडी अब क्या करेगा सोच रहा है, क्योंकि एक नहीं दो दो उसके पीछे पड़ गए हैं। एक से दो भले, देखिए सब टेडी के पैर के ऊपर पड़ गए हैं। टेडी अपनी रक्षा कैसे करेगा इनसे? पता नहीं, इसे लकड़ी पूरी तरह से उलट गया है वो। वो देखिए क्या खा ले हो बेटा? हेलो टेडी, हेलो हेलो, लो 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 लो, उसकी इस खाली जगह पर ही सब उसके पीटते हैं।
हाँ ये तो जरूर वेट लिफ्टिंग में जाएगा। देखिए कितनी ताकत है अपने होठ, इतने छोटे 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 होठ से उठा रहा है वो लकड़ी के टुकड़े को। देखिए 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 देखिए, हाँ कितनी ताकत है तुझमें टेडी, दिखा दो कितनी ताकत है। हाँ चलो लड़ो लड़ो लड़ो, टेडी इधर आ जा, उधर नहीं जाना, इधर लड़ो, दम है तो दिखाओ, सबको दिखाओ कितनी ताकत है टेडी में। हाँ कितनी ताकत है टेडी में, बोलो, मैं बहुत शक्तिशाली हूँ टेडी, मैं बहुत शक्तिशाली हूँ। बापरे 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 बापरे, टेडी को गुच्छा रहा है, टेडी को गुच्छा रहा है, टेडी टेडी लड़ोगे, आ जाओ, लड़ेगा लड़ेगा टेडी, लड़ेगा 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 टेडी, टेडी लड़ोगे, हाँ टेडी को लड़ना, हाँ वैक वैक वैक, हाँ इसे नहीं दिखाया जा रहा ना, इसे भी कुछ कहना है। हाँ बोलिए, हेलो से हेलो, हेलो कैसे हैं आप, कैसे हो आप, तब तक टेडी अपना दमखम दिखा रहा है और ये अपना गाना गा रहा है। बीच में एक श्रोता आ गया है, लो देखिए देखिए देखिए, काट दिया टेडी का पैर। और कितनी ऊंचाई पर चढ़ोगे, और ये बंदे को देखिए, ये देखिए ये देखिए, कभी भी किसी की भी पिटाई कर देता है। हाँ तुम रेफरी का काम कर रहे हो क्या, कहाँ से, ओ सॉरी, मैं उनको उनकी मारपीट देख रही थी और ये यहाँ पर चीख रहा है। देखिए हर कोई बंदा कुछ ना कुछ कर रहा है, ये गाना गा रहा है नीचे, तू 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 बंदा यहाँ पर, यहाँ हर कोई गाना गाता है, सेम आवाज वो भी निकाल रहा है। देखिए सुना आपने, कितना सुंदर कितना मधुर इनका गाना है, इनकी आवाज है कि मुग्ध होकर मैं भी कुछ देर के लिए चुप हो गई थी। यहाँ पर हर कोई ऐसा गाना गाता है जब भी इनका मूड होता है, ये हर कोई गाना गाना, यहाँ तक कि ये जो फेदर नहीं है ये बंदा भी गाता है, ये भी गाता है जब इसका मूड होता है। बेटा क्या कर रहे हो, हाँ क्या कर रहे हो डेडी, आपको बाहर आना है, चलो आ जाओ, पियोगे चाय। चलिए दोस्तों शाम के 4:30 तो बज ही गए हैं, थोड़ा नीचे भी जाते हैं, चाय वगैरह पीते हैं। ऐसे कोटते हुए कुत्ते सो रहे हैं, आज ठंड भी ज्यादा है। हाँ मैं आज बाहर निकली हूँ, मुझे कुछ स्नैक्स खरीदने थे, वहाँ मेला हो रहा है इसलिए सारे गाड़ियों को इस तरफ से घुमाकर भेज रहे हैं, कितनी गाड़ियाँ इधर से जा रही है क्योंकि उस तरफ मेला चल रहा है।
छोटी सी जगह को घेर कर मेला का प्रांगण बना दिया है। छोटी है शायद, दिखने में अच्छा है। छोटे बच्चे राइड का मजा ले रहे हैं। यहाँ तो कितना सुंदर है। इवनिंग वॉक करते करते मैं अपने दोस्त से भी मिलने चली गई। यहाँ पर उसने एक अपना रेस्टोरेंट खोला है। देखिए दोस्तों, मैं उसके पास से मोमो लेकर आई हूँ और उसने जबरदस्ती मुझे रोल भी दे दिया, भेज दिया रोल है शायद। चलिए दोस्तों, आज का ब्लॉग मैं यहीं खत्म करती हूँ। कुकाटेल भी सो गए हैं और आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बेल बटन को दबाइएगा जरूर, जिससे नया नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। गुड बाय, गुड नाइट, सेफ रहे, स्वस्थ रहे।